और शिमला में भी कारगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में जीत दिलाने वाले वीरों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। तो वहीं इस दौरान सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हर साल इस खास दिन पर वीरों को याद किया जाता है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश की सेना लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज हमारे जो है वो सुन्नी क्षेत्र से दो शहीद हुए थे, उनके परिवार के जो है वो एक के माता जी जो है वो आई हुई थी और दूसरे के जो है वो भाई बीबीराम जी जो है वो आए थे, उनका सम्मान भी किया है। ये टोकन सम्मान है, ये एक भावी भारत के नौजवान को जो है वो प्रेरणा देने वाला जो है वो कार्य है, और साथ ही साथ जो है वो हम कृतज्ञता दर्शाते हैं जो हमारे नौजवान इस भारत भूमि के लिए जो है शहीद हो गए थे, तो उसके लिए जो है वो टोकन स्वरूप जो है वो उनको सम्मानित भी इस कार्यक्रम में किया गया।